वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है कॉटन की डिफरेंट प्रॉपर्टी, फाइबर लेंथ, फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर फाइननेस, फाइबर मैच्योरिटी, ट्रेस कंटेंट, अलग अलग जो है कॉटन फाइबर की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। जो फाइबर की ये प्रॉपर्टी जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जो है मेजर की गई है। यहाँ पे हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो ये कॉटन की सभी प्रॉपर्टीज जो है एक ही इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मेजर कर दी जाती हैं। यानी जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे थे उन सभी इंस्ट्रूमेंट को, वो सारे जो सिस्टम हैं उनके जो प्रिंसिपल हैं वो एक ही इंस्ट्रूमेंट में जो है समाहित कर दिए जाते हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम जो है, मशीन जो हमारा टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है वो डेवलप किया जाता है। इसको हम हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट नाम से जो है जानते हैं। हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट इट मींस HVI। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट HVI, द टेस्टिंग ऑफ फाइबर वाज ऑलवेज इंपॉर्टेंस टू द स्पिनर। किसी भी स्पिनर्स के लिए जो है फाइबर की टेस्टिंग बहुत ही अनिवार्य होती है, क्योंकि वो फाइबर की के जो है डाटा, उसके जो है रिजल्ट वो जान जाता है, तो उसके हिसाब से उसको प्रोसेस में क्या एक्शन लेना है, क्या सेटिंग रखनी है, ये सारे पैरामीटर जो है एक फाइबर की रिजल्ट पे डिपेंड करता है, ये सारे जो है आगे के प्रोसीजर। तो यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर कॉटन फाइबर की जो प्रॉपर्टीज है उसको वो पहले से जानता हो। तो आगे हम चलते हैं। द टेस्टिंग ऑफ फाइबर वॉज ऑलवेज इम्पॉर्टेंस द स्पिनर, इट इज डन बाई HVI मशीन। हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट सिस्टम आर बेस्ड ऑन द फाइबर बंडल स्ट्रेंथ टेस्टिंग। यहाँ पे फाइबर बंडल स्ट्रेंथ से मतलब हमारा ये है कि हम यहाँ सिंगल फाइबर की टेस्टिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ फाइबर की टेस्टिंग करते हैं। सैंपल हम जो है मशीन में पुट करते हैं, यानी वो ग्रुप ऑफ फाइबर होता है। उस ग्रुप ऑफ फाइबर को हम बंडल ऑफ फाइबर कह रहे हैं। मेनी फाइबर आर चेक्ड एट द सेम टाइम एंड देयर एवरेज वैल्यू डिटरमाइंड। यहाँ पे ग्रुप में बहुत सारे फाइबर एक साथ उसकी जो है टेस्टिंग होती है और उसकी हम एवरेज वैल्यू जो है उस सभी फाइबर की, फाइबर लेंथ हो, फाइबर स्ट्रेंथ हो, फाइबर फाइननेस हो, सभी की ही जो है हम एवरेज वैल्यू जो है फाइंड आउट करके और वो रिजल्ट के रूप में हमारा आता है। ट्रेडिशनल टेस्टिंग यूजिंग माइक्रोनेयर, प्रेसली, स्टेलोमीटर एंड फाइबरग्राफ आर डिजाइन टू डिटरमाइन एवरेज वैल्यू फॉर लार्ज नंबर ऑफ फाइबर। हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है, जो फाइबर की फाइननेस, फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर लेंथ, यूनिफॉर्मिटी को जो है मेजर करते हैं, वैल्यू फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ फाइबर। इसमें यहाँ पे जो है इनमें भी जो है इन ट्रेडिशनल सिस्टम में भी हम बंडल ऑफ फाइबर यूज करते हैं, यानी बल्क ऑफ फाइबर हम यूज करते हैं और उसकी हम एवरेज रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। द सो कॉल्ड फाइबर बंडल टेस्ट इन HVI, द बंडल टेस्टिंग मेथड इज ऑटोमेटेड। अब यहाँ पे जो है HVI और ये इंस्ट्रूमेंट हमारे अलग किस तरीके से हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फाइबर की फाइननेस मेजर करनी हो तो माइक्रोनेयर टेस्टिंग, फाइबर फ्लो मेथड से प्रेसली, स्टेलोमीटर, प्रेसली और स्टेलोमीटर से हम फाइबर की स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, फाइब्रोग्राफ से फाइबर की जो है फाइबर लेंथ और यूनिफॉर्मिटी मेजर कर, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं फाइबर की डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टी को जानने के लिए। लेकिन जो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन HVI द बंडल टेस्टिंग मेथड इज ऑटोमेटेड। अब यहाँ पे जो है HVI में ये जो बंडल ऑफ फाइबर यानी ग्रुप ऑफ फाइबर लिए हैं उसकी टेस्टिंग जो है ऑटोमेटिकली हमारा इंस्ट्रूमेंट कर देता है। इन HVI हियर द टाइम ऑफ फॉर टेस्टिंग इज लेस, और बहुत कम समय लेता है इसको टेस्ट करने में, एंड सो द नंबर ऑफ सैंपल दैट कुड बी प्रोसेस्ड इज इंक्रीज। इस तरीके से अगर जो हम जो है पूरे सैंपल के टेस्टिंग जो है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में करते थे वो तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता था, सारे रिजल्ट को जानने के लिए 4 घंटे लग जाते थे। यहाँ पे जो है हम एक ही HVI के माध्यम से जो है बहुत कम समय में, इस तरीके से हम देखें तो उतने समय में हम ढेर सारे जो है टेस्टिंग जो है उसी सैंपल की, अलग अलग सैंपल की जो है उस मेटल के अलग अलग सैंपल की हम टेस्टिंग कर सकते हैं।
quite could be processed in increase quite considerably the influence of operator is reduced. और जो अलग अलग मशीन पे कन्वेंशनल सिस्टम में अलग अलग मशीन पे अलग अलग ऑपरेटर काम कर रहे थे वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं. द टाइम फॉर टेस्टिंग पर सैंपल इज 0.3 मिनट्स, यानी एक सैंपल को टेस्ट करने में बहुत कम समय लगता है, 0.3 मिनट्स पॉइंट में जो है 0.3 मिनट. इट इज बेस्ट अप्लाइड टू इंस्टीट्यूटिंग ऑप्टिमम कंडीशन फॉर रॉ मटेरियल. और ये जो है किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही जो है अच्छा होता है कि उसको जो है कम समय में सारे रिजल्ट उसको मिल जाते हैं. अबाउट 180 सैंपल पर आवर कैन बी टेस्टेड एंड दैट टू विथ ओनली टू ऑपरेटर. हम जनरली जो है एक घंटे में 180 सैंपल या उससे ज्यादा दो ऑपरेटर के हेल्प से जो हम कर लेते हैं. ये हम जो है HVI का इंस्ट्रूमेंट जो इसका हम फिगर देख रहे हैं, उस्टर का HVI 1000 इंस्ट्रूमेंट है. यहाँ पे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, जो भी हम डाटा टेस्ट करते हैं सैंपल को पुट कर देते हैं कंपार्टमेंट में, और जो है हम जो भी उसका रिजल्ट है 0.3 मिनट के बाद जो है स्क्रीन पे उसका रिजल्ट दिखने लगता और उसका हम प्रिंट आउट ले लेते हैं. सैंपल को पुट करने से पहले उसका यहाँ वेइंग बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे सैंपल का वेट कर लेते हैं. जनरली इसमें सैंपल जो है 9 to 10 ग्राम के आसपास इसमें सैंपल रखते हैं और उससे जो है हम सैंपल को टेस्ट करके और फर्दर जो है और भी अगर उसकी टेस्टिंग इस इंस्ट्रूमेंट के अलावा और किसी से करनी उसी सैंपल को हम यूज कर लेते हैं. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ HVI conventionally measure of the fiber property was mainly carried out using manual method and it include the maximum chance of getting error. हम जो है conventional method में manual methods से जो है sample prepare करते थे और उसकी testing करते थे. अलग अलग man जो है change होने पे अलग जो है result जो है show करते थे, इसलिए same sample से जो है अलग result अगर अलग अलग व्यक्ति के द्वारा होता है तो उस जो है result भी differ कर सकता था. इस वजह से उसमें सैंपल में इरर आने के चांसेस रहते थे. लेकिन यहाँ HVI के माध्यम से हम देखेंगे कि जो है इरर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं. गेटिंग इरर इन्वॉल्व इन एट टू मैनुअल इरर एंड आल्सो ए टाइम कंज्यूमिंग जॉब. टाइम भी काफी ज्यादा लगता था. दस देयर वाज ए नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैपेबल ऑफ मेजरिंग ऑल प्रॉपर्टी इन मिनिमम टाइम फॉर बेटर कॉटन क्लासिफिकेशन. और ये हमें बहुत जरूरत थी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो कम समय में और अधिक से अधिक जो हमारा रिजल्ट दे सके. PCCA प्लांट कॉटन कोऑपरेटिव एसोसिएशन प्लेड ए की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट HVI टेस्टिंग टू डिटरमाइन फाइबर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन. इसने PCCA ने जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है डेवलप किया जो हम कम समय में कॉटन की सारी प्रॉपर्टी जो है हम टेस्ट कर सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ HVI हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट सिस्टम आर बेस्ड ऑन द फाइबर बंडल टेस्टिंग. हम यहाँ पे फाइबर बंडल आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. ग्रुप ऑफ फाइबर दैट इज मेनी फाइबर आर चेक्ड एट द सेम टाइम एंड देयर एवरेज वैल्यू डिटरमाइन. हम ग्रुप में यानी हमने जो बल्क लिया 9 to 10 ग्राम का सैंपल लिया उसका जो है टेस्टिंग होती है और उसका हम जो है एवरेज वैल्यू जो है फाइबर की लेंथ की स्ट्रेंथ की और जो भी उसमें टेस्टिंग पैरामीटर है उस सभी की एवरेज वैल्यू हमें मिलती है. ट्रेडिशनल टेस्टिंग यूजिंग माइक्रोनियर प्रेसली स्टेलोमीटर एंड फाइबोग्राफ आर डिजाइन टू डिटरमाइन एवरेज वैल्यू फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ फाइबर सो कॉल्ड फाइबर बंडल टेस्ट. ये सारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे वो भी जो है टेस्टिंग में कई फाइबर एक साथ इस्तेमाल होते थे, इसलिए हम उसको जो है बंडल टेस्ट जो है फाइबर बंडल टेस्ट उसको हमने नाम दिया. इन HVI द बंडल टेस्टिंग मेथड इज ऑटोमेटेड. और यही जो है जो हमारे सैंपल है जो फाइबर बंडल है वो HVI में जो है ऑटोमेटिकली जो है परफॉर्म होता है. पैरामीटर मेजर्ड बाई HVI इट मेजर डिफरेंट सेवरल पैरामीटर स्ट्रेंथ एंड इलांगेशन. यानी HVI हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है
जो फुल्ली ऑटोमेटिक है, और ये जो है एक साथ एक सैंपल से एक साथ 0.3 मिनट जो ले रहा है उतने समय में जो है फाइबर की कई प्रॉपर्टीज जो है एक साथ मेजर करके और स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पे दे देता है। फाइबर स्ट्रेंथ एंड इलांगेशन, फाइबर फाइननेस, मॉइस्चर, कलर, ट्रेस कंटेंट, मेच्योरिटी एंड स्टिकनेस, ये हमारी फाइबर की जो है प्रॉपर्टी जो है एक ही इंस्ट्रूमेंट से हमें मिल जाती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेंथ एंड इलांगेशन। एचबीआई यूजेस द कांस्टेंट रेट ऑफ इलांगेशन प्रिंसिपल व्हिच टेस्टिंग द फाइबर सैंपल द अवेलेबल कन्वेंशनल मेथड ऑफ स्ट्रेंथ मेजरमेंट आर स्लो एंड आर नॉट कंपेटिबल टू यूज्ड विद एचबीआई। द मेन हिंडरिंग फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन व्हिच इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द टेनिसिटी ऑफ द सैंपल। यहाँ पे क्या था कि हम जो है फाइबर की स्ट्रेंथ मेजर करते थे, स्ट्रेंथ मेजर प्रेसली से एस्टिलोमीटर से, तो वहां पे ब्रेक होने के बाद उस सैंपल का कैलकुलेशन के लिए हमें वेट करना पड़ता था। यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ टेनेसिटी इज इम्पॉर्टेंट टू मेक इजी कंपेरिजन बिटवीन ए स्पेसिमेन ऑफ वेरिंग फाइननेस। फाइबर फाइननेस इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज ए माइक्रोनेयर। माइक्रोनेयर में हम लोग कॉटन फाइबर की फाइननेस को मेजर करते हैं। माइक्रोनेयर वैल्यू माइक्रोग्राम पर इंच, माइक्रोग्राम पर इंच यानी 1 इंच फाइबर का वेट इन माइक्रोग्राम में जितना होगा उसको हम कॉटन की माइक्रोनेयर वैल्यू और उस माइक्रोनेयर वैल्यू को हम फाइननेस के रूप में देखेंगे। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाई रिलेटिंग एयर फ्लो, इट इज मेजर्ड बाई रिलेटिंग एयर फ्लो रेजिस्टेंस टू द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ फाइबर एंड मेच्योरिटी रिलेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग ए सोफिस्टिकेटेड एलॉर्गरिथम बेस्ड ऑन सेवरल एचवीआई मेजरमेंट। यहाँ पे जो है हम फाइबर की फाइननेस फाइबर फ्लो मेथड से मेजर करते हैं और मेच्योरिटी फाइबर भी यहाँ पे हम मेजर हो जाती है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कॉटन सैंपल एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग यूजिंग कंडक्टिव मॉइस्चर प्रूफ एंड द मेन प्रिंसिपल आर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटेरियल। यहाँ पे जो मॉइस्चर का जो मेजरमेंट होता है वो कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटेरियल। कलर आरडी व्हाइटनेस, आरडी वैल्यू जो है व्हाइटनेस को शो करती है, प्लस बी जो एलोनेस कार्टन की जो व्हाइटनेस और एलोनेस को हम देखते हैं, ये दो वैल्यू जो है आती हैं, आर डी वैल्यू और प्लस बी वैल्यू। ए वैल्यू कितना है इस पे हमारी व्हाइटनेस और एलोनेस वैल्यू डिपेंड करती है। कलर ग्रेड मेजर्ड ऑप्टिकली बाय डिफरेंट कलर फिल्टर कन्वर्टेड टू यूएसडीए अपलैंड आर पीमा कलर ग्रेड आर रीजनल कस्टमाइज्ड कलर चार्ट। ये हमारी कॉटन की वैरायटी है, इस कलर से जो है कंपेयर कर लेता है। ट्रेस कंटेंट ट्रेस कंटेंट पार्टिकल काउंट यानी जो हमारे ट्रेस के पार्टिकल है उसको काउंट करता है। परसेंट पार्टिकल काउंट परसेंटेज सरफेस एरिया कवर्ड बाय ट्रेस। ट्रेस कोड मेजर्ड ऑप्टिकली बाय यूटिलाइजिंग ए डिजिटल कैमरा। यहाँ हम एक डिजिटल कैमरे से जो है हम इसको ऑप्टिकली जो है मेजर करते हैं एंड कन्वर्टेड टू यूएसडीए ट्रेस ग्रेड आर कस्टमाइज रीजनल ट्रेस स्टैंडर्ड। मेच्योरिटी एंड स्टिकनेस कैलकुलेटेड यूजिंग ए सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम बेस्ड ऑन सेवरल एचवीआई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन को आप समझिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम टेस्टिंग करने से पहले हम ये एश्योर हो जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमारा परफेक्टली सेट है, यानी हम जो डाटा टेस्ट करेंगे वो डाटा हमारा करेक्ट रिजल्ट बताएगा, उसमें डाटा में किसी भी तरीके का कोई इरर नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस को हम जिसमें जिससे कि इंस्ट्रूमेंट को हम करेक्टली सेट कर लेते हैं उसी प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो स्ट्रिक्ट कैलिब्रेशन प्रोसीजर यूज्ड बाय ऑल ऑफ ऑफिसेज एंड क्वालिटी एश्योरेंस ब्रांच नोन वैल्यू कॉटन एंड टाइटल्स यूज फॉर कैलिब्रेशन पीरियाडिक कैलिब्रेशन चेक
और पीरियडिकली हमें जो है कैलिब्रेशन करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। डाटा इज कलेक्टेड एनालाइज्ड एंड करेक्टिव एक्शन टेकन व्हेन नेसेसरी। अगर हमारे डाटा में जो है कोई डिफर करता है तो हमें जो है फिर से कैलिब्रेशन कर लेना चाहिए या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। लेबोरेटरी एटमोस्फेरिक कंडीशन, हम कॉटन फाइबर की जो है टेस्टिंग करने से पहले एचवीआई में टेस्टिंग करने से पहले हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, सैंपल प्रिपरेशन कर लेते हैं और उस सैंपल प्रिपरेशन को सैंपल को जो है हम अपने टेस्टिंग लैब में टेस्टिंग एटमॉस्फेयर पे हमारा जो टेस्टिंग लेबोरेटरी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंडीशन 70 डिग्री प्लस माइनस 1 फारेनहाइट एंड 65% प्लस माइनस 2% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। All cotton must stabilize at moisture content level of 6.75 to 8.25 period to HVI। हम जो है उसको इतने समय तक रखते हैं लैब में कि कम से कम हमारी कॉटन 6.75 से 8.25% जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, फिर उसके बाद हम कॉटन फाइबर की टेस्टिंग करते हैं। मेरिट ऑफ एचवीआई टेस्टिंग, the merit are practically independent of the operator the result are practically independent of the operator। जो हमारा result होता है conventional method से अगर fiber की हम length, strength और अलग अलग value अगर हम test करते थे वहाँ पे जो है अलग अलग operator के साथ जो है value भी change हो जाती थी, थोड़ा differ करती थी। यहाँ पे जो है हम मशीन हमारी ऑटोमेटिकली जो है फाइबर की टेस्टिंग कर रही है, यहाँ पे जो है ऑपरेटर चेंज होने से कोई भी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। द रिजल्ट आर बेस्ड ऑन लार्जर वॉल्यूम सैंपल एंड आर देयरफॉर मोर सिग्निफिकेंट। कम समय में जो है अधिक से अधिक हम सैंपल की टेस्टिंग कर लेते हैं इसलिए हमें ज़्यादा रियलिस्टिक डाटा मिल जाता है। द टाइम फॉर टेस्टिंग पर सैंपल इज बहुत कम, 0.3 सेकेंड यहाँ समय लगता है। द रिस्पेक्टिव फाइबर डाटा आर इमीडिएटली अवेलेबल, और फाइबर का हमें कम समय, बहुत कम समय में हमें जो है डाटा तुरंत अवेलेबल हो जाता है। अबाउट 180 सैंपल पर आवर कैन बी टेस्टेड दैट टू ओनली टू ऑपरेटर। यहाँ पे जो है हम 180 सैंपल एक घंटे में एक 180 या उससे अधिक सैंपल हम टू ऑपरेटर के हेल्प से जो है कॉटन फाइबर का चेक कर सकते हैं। द डाटा आर क्लियरली अरेंज्ड इन समराइज्ड रिपोर्ट, और सभी जो है रिपोर्ट स्क्रीन पे आपको दिखेगी और उसका हम प्रिंट ले लेते हैं समराइज फॉर्म में। दे मेक पॉसिबल द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मेटेरियल, और उस रॉ मेटेरियल का डाटा हमें जब मिल जाता है तो उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। इट इज बेस्ट अप्लाइड टू इंस्टीट्यूटिंग ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ रॉ मेटेरियल प्रॉब्लम एज रिजल्ट ऑफ फाइबर मेटेरियल कैन बी प्रिडिक्टेड एंड करेक्टिव मेजर इंस्टीट्यूटेड बिफोर सच प्रॉब्लम कैन अकर। हमें जो प्रॉब्लम है कॉटन का रिजल्ट मिल जाता है तो कॉटन का क्या रिजल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें जो है हम जो है कॉटन का रिजल्ट देख करके प्रिडिक्शन कर लेते हैं और प्रोडक्शन में हमें किस तरीके का करेक्टिव एक्शन लेना है हम जो है फिर प्रोडक्शन में हम जो भी हमें करेक्टिव एक्शन लेना होता है हम लेते हैं। द क्लासिंग ऑफ कॉटन एंड लेइंग डाउन ऑफ ए मिक्स इन द स्पिनिंग मिल, दिस एचवीआई टेस्टिंग इज सुटेबल फॉर एक्सटेंसिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑल द बेल प्रोसेस्ड इन स्पिनिंग। यहाँ बेल मैनेजमेंट में मेजर रोल हमारा एचवीआई जो है प्ले करता है। हम जो है जो भी हमारे पास बेल अवेलेबल है उस अवेलेबल की हम जो है उस अवेलेबल बेल की जो है हम करेक्टिव मिक्सिंग जो है इस एचवीआई इंस्ट्रूमेंट से हमें मिल जाती है, और जो कि कास्ट और क्वालिटी दोनों में एक मेजर रोल जो है परफॉर्म करती है। द मिल इन ए पोजिशन टू डिटरमाइन इट्स ओन क्वालिटी लेवल विद इन सर्टेन ऑपरेटिंग रेंज, और मिल जो है अपना जो है क्वालिटी जो है एक क्वालिटी उसको जो है परफॉर्म करना आसान हो जाता है। कंक्लूजन, एचवीआई क्लासिफिकेशन इज हियर टू स्टे। द एचवीआई सिस्टम हैज बीन प्रूवन रिलायबल effective and efficient over more than 20 years of use, improving and expanding the quality measurement available. The HVI has been of enormous importance in marketing US cotton and keeping it competitive in the world market. यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि HVI जो है cotton
फाइबर की टेस्टिंग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हम जो है जनरली यूएस में और वर्ल्ड मार्केट में जो है कॉटन फाइबर की टेस्टिंग के लिए एचवीआई का लार्ज स्केल पे हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको जो है एचवीआई इंस्ट्रूमेंट को जो है एक्सप्लेन किया, और मैं समझता हूँ कि आप एचवीआई को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे जो है डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। थैंक यू।